गाइस बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो वंस मोर। भाई ये अब इस गाड़ी एक दूसरी बी एस सिक्स आई हुई है, बी एस सिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई जो हीट हो रही थी गाड़ी। हीट की लाइट इसकी स्टार्ट होने के बाद भी नहीं जा रही थी और गाड़ी थोड़ा पिकअप में प्रॉब्लम आ रही थी, पिकअप प्रॉपर नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो अब दिखाते हैं कौन सी लाइट आ रही थी। तो दोस्तों ये इसका जो रेडिएटर फैन है ये आपको दिख रहा होगा नीचे साइड में, रेडिएटर फैन क्या हुआ, इसके स्क्रू आपके ये दोनों स्क्रू थे ये खुल गए थे और उसकी वजह से ये फ़ैन नीचे टकरा रहा था। वो नीचे आपको निशान दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, फ़ैन टकरा रहा था, इस वजह से गाड़ी हीट हो रही थी और हीट होने की वजह से ही उसमें एक स्टार्ट होने के बाद भी एक लाइट आ रही थी जो हीट बताती है गाड़ी की। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी गाड़ी हीट हो रही है तो भाई हो सकता है रेडिएटर फैन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो। ठीक है, हीट हो तो समझ जाओ गाड़ी, अगर हीट हो गाड़ी तो आप ये समझ जाइए कि रेडिएटर फैन या तो नहीं चल रहा है या फिर रेडिएटर में पानी प्रॉपर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ये मीटर ऑन कराया, मीटर पे ये चारों लाइट आ रही हैं। स्टार्ट होने के बाद इन सारी लाइटों को बंद होना रहता है, अगर इनमें से कोई एक ही लाइट भी अगर बंद नहीं हो रही है मतलब आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसा कि इसमें हीटिंग वाली लाइट आ रही थी जैसा कि ये, तो ये लाइट जो है आपकी बंद अगर स्टार्ट में नहीं हो रही मतलब आपकी गाड़ी हीट कर रही है। कौन सी चल रही थी गाड़ी? ये वाली। हाँ ये लाल वाली देखिए, आप ये टेम्परेचर की लाइट है लाल वाली, ये स्टार्ट गाड़ी होने के बाद सारी लाइटें बंद हो जाएंगी मतलब आपकी गाड़ी परफेक्ट है। और अगर बंद नहीं हो रही है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि इसमें अभी नॉर्मल हीट वाली प्रॉब्लम आई थी जो गाड़ी हीट कर रही थी, तो हीट इस वजह से कर रही थी क्योंकि इसका रेडिएटर फ़ैन जो कि रेडिएटर फ़ैन के स्क्रू लूज़ हो गए थे, एक टूट के गिर गया और एक लूज़ हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये इसका रेडिएटर फ़ैन, तो ये स्क्रू अपन ने दो लगा दिया है, एक ये और एक ये जुगाड़ वाले स्क्रू। तो हो सकता है अगर आपकी गाड़ी हीट हो रही है तो भाई हो सकता है फ़ैन की वजह से हो रही हो, फ़ैन प्रॉपर अगर घूमेगा नहीं, इंजन ठंडा नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी फिर से दिक्कत कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपन कबाड़ खाने से ये लेके आए थे तो इससे अपन ने स्क्रू लगाए। ठीक है, और आगे की अपडेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस पर्पज़ की वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पर्पज़ की बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।